बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मंथली रिव्यू के साथ हाजिर है। इस मंथ की एक तो ये मंथ शुरू हो चुका है, 1 अप्रैल की है, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ। तो ये देखें, ये इस मंथ की क्लोजिंग है, मार्च के मंथ की, और ये फेब के मंथ की क्लोजिंग है। अच्छा, ये फरवरी में जब अगर आप देखें तो इसमें 9,312 बिलियन रुपीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसको इसका बेंचमार्क जो इसने अचीव किया था। वैसे तो हमारा जो है, स्पेशली मेरा जो मैं जो बेंचमार्क लेके चल रहा हूँ वो था 9,000 9,500। सबसे पहले तो 8,500 था, फिर 9,000, फिर 9,500। तो अभी इस मंथ में देखें तो 9,448, ऑलमोस्ट जो है 9,500 के करीब जो है ये बेंचमार्क इसको इसके करीब आया है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये इसको रिटेस्ट करे और इसको हो सकता है ब्रेक भी करे, तो अगला जो बेंचमार्क होगा वो 10,000 बिलियन रुपीस या 10 ट्रिलियन रुपीस का होगा। तो ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है, मतलब मार्केट में एक्टिविटी आप देख रहे हैं अच्छी। ऑल दो अगर देखें तो सब स्टॉक तो नहीं चल रहे, लेकिन कुछ स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम बन रहे हैं, वैल्यू भी इनकी इंक्रीज हो रही है, तो काम आगे अच्छा। और मेरा आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किए थे, कुछ एनालिसिस किया था ओजीडीसी का। तो अभी भी देखें इस रेट में भी पी रेशियो 2 का है, तो अभी भी मतलब अभी काफी जो स्टॉक जो है अभी भी डिस्काउंटेड है मार्केट इतने ऊपर जाने के बाद। तो मार्केट का अभी जो इस महीने का जगह, ये पहले तो हम इस महीने का लेंगे, दिसंबर के महीने का, इसने 67,000 का हाई किया था, तकरीबन 67,100 का, ठीक है ना। अब इसने 67,300 का हाई किया है इस महीने, और क्लोजिंग जो है उसकी 67,000 के अराउंड आई है, मतलब जो इसका हाई था उसके तकरीबन उसी के बराबर आई है। अगर 67,100 आती तो एग्जैक्टली जहां पे इसकी विक बनी थी, रिजेक्शन आई थी, वहां पे इसकी क्लोजिंग आती, तो हम इसको मजीद देख सकते थे कि भाई थोड़ा करेक्शन लेके डेली पे या वीकली पे ये हम आगे इसमें देख सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम सीपीआर का लेवल लेंगे, मंथली का जो सीपीआर का लेवल है उसका अपर बैंड है 67,500 और मिडिल बैंड है 66,358 या 300 समझ लें, और लोअर बैंड है 65,200 का, ठीक है। ये एक तो सीपीआर है, ठीक है। अब अभी आप देखें इस वक्त तो ये सीपीआर के नीचे अभी परफॉर्म, ये जो अपर बैंड है 67,500 इसको ना इसने रिटेस्ट किया है, ना इसे रिजेक्शन आई है, कुछ भी नहीं हुआ अभी। ये अभी सीपीआर का लेवल जो है ये क्रिएट हो चुका है, ये वाला अपर बैंड, ठीक है ना, क्योंकि जब मार्केट अपसाइड पे जा रही है तो सीपीआर का लेवल भी इसी के साथ अपसाइड मूव कर रहा है। तो अब सीपीआर का लेवल इस महीने थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि ये सस्टेन करता है मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे जैसे वॉलेटिलिटी नजर आती है, अप डाउन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए विद स्टॉप लॉस, अगर ये स्टॉप लॉस है, और डेली पे भी फिर आप देख लें इसका स्टॉप लॉस आप लेके चलें। तो अच्छा, ये 100 इंडेक्स का मतलब मैं आपको फिर अगेन बता दूं, जिसमें 100 इंडेक्स में जो स्टॉक्स है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें ओजीडीसी, एंग्रो, एफएफसी, ईफर्ट, हप्पा और ये सब जो में मूवमेंट होती है, पीपीएल है, तो इनमें आप जो है जाहिर सी बात है इनका वेटेज होता है, तो ये अगर नीचे आएंगे तो इंडेक्स भी नीचे आएगा। तो इन्हीं शेयर्स को आप फोकस करें जो 100 इंडेक्स में, तो ही आपके लेवल जो है ये काम आ सकेंगे सीपीआर के। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर ये इसको सस्टेन करता है 67,500 को, तो फिर ये आने वाले दिनों में 73,600 का लेवल ये रिटेस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे रिटेस्ट का मतलब ये है कि रिटेस्ट में रिजेक्शन भी आ सकती है, और उसको कभी कभी ऐसा हुआ है कि ये जिस तरह हमने यहाँ देखा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, कि देखेंगे बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको कहा था क्वांटम लीप, बड़ी बड़ी जो कैंडल बन गई यहाँ पे, ये विदाउट एनी सपोर्ट और रिट्रेसमेंट, तो यहाँ ये अपर जो है अपर साइड में मूवमेंट दिखाता रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ देखिए साइडवेज हुआ इंडेक्स जो है, फिर ये अपसाइड यहाँ से फिर अपसाइड मिलना शुरू हो गया है, तो हो सकता है कि ये इन लेवल्स को जो बैंड है सीपीआर के उनको रिटेस्ट करें यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह सीपीआर का जो लोअर बैंड है उसके नीचे अगर परफॉर्म करते हैं, इंडेक्स परफॉर्म करता है वीक ऑन वीक और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे विद डिक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो थोड़ा मोहताज रहना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर भी इसकी भी कंडीशन ये है कि विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,500 9,600 700 यहाँ इंक्रीज हो रहा है और मार्केट अपसाइड पे जा रही है, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं ब्रेकआउट के बाद 67,500 पे, जो अभी मूव नहीं किया स्टॉक, तो वो आगे जाके अपनी मूवमेंट दिखा सकते हैं।
अच्छा अभी जो इसमें इस महीने का जो सपोर्ट था उसी को हम कंसीडर करेंगे, जो जहाँ से इसकी ऑनर हुआ था वो 63,784 था। मैं आपको ये थोड़ा सा जूम इन करके यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ इस लेवल पे, ठीक है ना, ये वाला लेवल, ये इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है ना, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, 67,868 है इसके अराउंड जो है, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ये वाला लेवल है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये वाला अच्छा लेवल है, ठीक है ना, ये सपोर्ट लेवल आ सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट ऑनर। अच्छा सबसे बड़ी बात देखें, यहाँ पे विक बनी थी, ठीक है, तो एक तो यहाँ पे भी नेकलाइन सपोर्ट है लेकिन विक बनी थी यहाँ पे नीचे, तो उसको भी हम ले लेंगे। ये मैं सारे सपोर्ट लेवल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इसकी नेकलाइन सपोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमेशा यहाँ पे आइए, मार्केट आइए, इसके नीचे भी आइए, इवन यहाँ तक भी आइए, 58,700 पे भी आइए मार्केट, ये इस लेवल पे भी आइए, लेकिन क्लोजिंग अगर देखें मंथ ऑन मंथ पे, तो क्लोजिंग इस जो इसकी है वो 60,600 के अराउंड यहाँ पे आई है। 60,600 का जो इंडेक्स लेवल है वो बहुत क्रूशियल है। अगर मैं कहूँ ये वाला एरिया ऑफ वैल्यू है ना, इसको मैं कर देता हूँ, ये हमारा एरिया ऑफ वैल्यू हो गया, ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ वैल्यू है 60,600 से लेके 58,700 तक का। इसको अगर ब्रेक करता है एरिया वैल्यू को, तो फिर ये आने वाले दिनों में ये वाला इंडेक्स जो है लेवल रिटेस्ट हो सकता है 51,800, और इसके बीच में भी बहुत से लेवल है, वो वीकली पे आप जब ये होगा खुदा ना खास्ता हो गया, तो फिर मैं आपके साथ अगले लेवल डाउन साइड के शेयर करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखा रही है, और RSI भी देखें तो 79 पर है। RSI में अभी कोई मंथली में कोई डाइवर्जेंस नहीं, वीकली में मैंने आपके साथ शेयर किया था थोड़ा सा डाइवर्जेंस है, लाइन चार्ट बता के आपको बताया था, तो उसमें थोड़ा सा डाइवर्जेंस आ रहा है। लेकिन लेकिन हमेशा ऐसा डाइवर्जेंस जरूरी नहीं है, डाइवर्जेंस अगर आ रहा हो तो मार्केट नीचे ही है, ठीक है ना। जब मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है और उनकी बायर की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ट्रेडर आप देख रहे हैं उनकी एक्टिविटी बहुत है, बायर जो है एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, तो वो जो डाइवर्जेंस है उसको निगेट कर देते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है। तो मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि इसकी इंडिकेशन कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है, तो देखे ना ये एक बेरिश, मैंने पहले बताया था एक बेरिश साइन बना हुआ है मंथली पे, ठीक है, उसको एक बुलिश कैंडल ने निगेट किया और एक अगेन एक बुलिश कैंडल ने इसको कंफर्म किया है, तो होपफुली लग तो ऐसे रहेगा मार्केट यहाँ से और अपर साइड पे परफॉर्म करेगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया 67,500 सस्टेन करती है मार्केट, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों 73,600-700 ये वाले लेवल जो है, इवन 74,000 ये भी मार्केट आने वाले दिनों में दिखा सकती है। लेकिन अभी जो पिविटल इसका रेजिस्टेंस आ रहा है मंथली पे वो 73,600 है, इसके ऊपर अप डाउन जैसे विक बनी थी, कितनी बड़ी विक बनी थी मंथ पे, 67,000 के अराउंड बनी थी, 67,100, और क्लोजिंग जो है उसकी हुई थी 62,000 पे, 5,000 इंडेक्स का यहाँ पे हमने इसमें डिक्लाइन भी देखा था, तो हो सकता है यहाँ पे आके कोई बड़ी विक बने या ऊपर जाके कोई बड़ी विक बने और नीचे आके क्लोजिंग हो। लेकिन अभी इस वक्त जब इसके बाद जो है इस CPR के बाद इसका अपना रिटेस्ट होना और सस्टेन होना बहुत जरूरी है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता तो मजीद मजीद मार्केट अपसाइड, इस तरह मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था 80-84 इस तरह मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है। तो अभी फिलहाल जो है डेली का तो मैं आपको बताता रहता हूँ शॉर्ट ग्राफ पे और डेली चार्ट के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप में, कि अभी ये लेवल है सपोर्ट के, ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, तो देखें याद रखिएगा सपोर्ट लेवल का मतलब है कि इसको आप वॉच करें कि सपोर्ट सपोर्ट को ऑनर कर रहा है। देखें ना यहाँ देखें जिस तरह ये सपोर्ट को ऑनर किया, यहाँ क्लोजिंग आई, तो आप यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पे रिस्क ले सकते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस पे भी जो है थोड़ा सा माल सेल जरूर करें, जो आपने आपने आइटम जो है परचेज किए हैं बाय किया है उसका 50% 25% जितना भी आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं उस पर जरूर करें, बाकी आप जो है स्टॉक रोक लें नीचे आता है तो फिर आप उसी में काम करें, तो इसमें आपके जो एवरेज है बाइंग एवरेज वो कम होती रहेगी। तो यही इसी तरह आप स्ट्रेटेजी अपनी प्लान करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।